चलिए तो आज भी हम कुछ क्वेश्चन बता दे रहे हैं, आज रिवीजन कर रहे हैं रजिस्टेंस के, तो आज का वीडियो रहेगा रिवीजन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रजिस्टेंस। तो कैलकुलेशन ऑफ रजिस्टेंस का अथवा रिवीजन बना दे रहे हैं हम, इससे थोड़ा बहुत जान लेंगे। ठीक तो चलिए शुरू करते पहला क्वेश्चन कह रहा है आज रजिस्टेंस के कैलकुलेशन का फिर से रिवीजन। इतना बार रिवीजन, इतना बार रिवीजन, तो लोग रिवीजन करते हैं तो कम जाए, ठीक है? लेकिन आज हमारे दोनों करने से कम लोगों को समझ आ जाए, ये नहीं कि तुम लोग वीडियो देखो देखो तुम लोग क्लास ही ना करो उससे क्या पता है, अभी इस वीडियो देखो, ठीक है? चलो ये क्या करवा तुम्हें छह अंकों के लिए प्रवाहित उठा रहा है क्या पॉसिबल क्वेश्चन है ये है आपका क्वेश्चन। ये जो वीडियो आज हम ये बहुत ही कमाल का वीडियो और बहुत ही इफेक्टिव होगा। फिर से बेसिक इलेक्ट्रिकल का अगर देखा जाए फिर से पहले अगर किसी सर्किट का किसी सर्किट को पूरे बेसिक तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं एकदम बेसिक से आप देखा जाए कि उसका तरीका क्या, अगर कुछ सर्किट आपको देख लिया है यानी कि अगर करंट निकालना है रेजिस्टेंस निकालना है वोल्टेज निकालना है यही तीन चीज में तो सबसे बेसिक अगर कोई परिवर्तन दिया हुआ है और आप समझिए जीरो लेवल इसको इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे जीरो लेवल। जीरो लेवल का मतलब क्या होता है आप इस क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन से आपको समझ आ रहा है कि जीरो लेवल से तो इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे जीरो लेवल से यही से स्टार्ट होता है आगे की सिलसिला। यहाँ कुछ सीख जाते हैं जो कैसे रेजिस्टेंस निकालेंगे कैसे पर्टिकुलर एक रेजिस्टेंस में धारा निकालेंगे कैसे टोटल धारा निकालेंगे कैसे टोटल वोल्टेज रहेगा कैसे कुल एक 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 रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज रहेगा यहाँ से तुमको सिखाया जाता है असल में खेल। अभी तुमको पर्टिकुलर एक एक को सिखाया जाता है टोटल सिखाया जाएगा यहाँ से तुम सीखोगे कि किसी भी रेजिस्टेंस में धारा कैसे निकालें टोटल धारा कैसे निकालें
यही तरफ से इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही बेसिक तरीके से आज फिर से हम बताएंगे, तो आप लोगों को ध्यान से इसको देखने की जरूरत है। ये बहुत ही इफेक्टिव वीडियो होगा, जिसको कुछ भी नहीं आता है, जो शुरू में क्लास नहीं किए थे वो फिर से क्लास करके इसको रिवीजन कर लेंगे। तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं। कोई भी अगर इस तरह का सर्किट दिया हो, देखो हम क्या करते हैं कि जो तुमको निकालना है उससे ये फोकस करो जो तुमको चाहिए। मान लो तुमको ये तो डिसाइड हो गया उसका पहले तो डिसाइड किस काम से है, काम डिसाइड हो गया, अब साधन डिसाइड करो, टाइम डिसाइड करो, साधन डिसाइड करो, चले। उसी तरह से इस सर्किट को साफ करने के लिए अगर इसमें भार हो गया तो इसका मतलब भार हो गया, धारा भी चलाएंगे, आर दिया है, वोल्टेज दिया है, इसका मतलब टीवी की बात हो रही है। जैसे सर्किट में एक होता है कॉमन सेंस, कॉमन सेंस अगर लगाया जाए, अगर इसमें धारा कुछ लगा है तो ओम के नियम पहले ही सर्किट में ओम का नियम अप्लाई हो जाता है। पहले दिन से बेसिक इलेक्ट्रिकल के पहले दिन से ही कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे पहले दिन से ही ओम सला अप्लाई हो जाए। कैसे होता है, जब इसमें धारा कुछ ओम ने कहा, ओम किसी से नहीं दिया, ओम ने इन्हीं तीनों का रिलेशन दिया था, तो सबसे पहला काम होता है
उसका वोल्टेज निकालो, करंट निकालो और रजिस्टर निकालो, इन तीनों का प्रसंग है। और यह ध्यान में जो पॉइंट है
तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं जो आर्थिक और ऑप्शन करते हैं दो क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन से कुछ वीडियो डालते हैं इसको देखते रहो तुम लोग करते रहो ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हम दे रहे हैं इसके पास पे आना तुम लोग पहले भी दिए थे तुम लोग किए नहीं थे। निम्नलिखित चित्र ए बी में देखो ये निम्नलिखित चित्र ए बी ए और सी सी में कौन सर्वोत्तम प्रयोग होता है ये ए बी है और भी जो भी स्थूल प्रतिरोध निकालना है सभी लोग निकाल लेंगे जिसको नहीं समझ में आएगा जो नहीं एकदम नहीं निकाल पाता इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चन बता रहे हैं फिर भी नहीं समझ में आता है तो हमसे मैसेज करेंगे या हमसे कहेंगे तो फिर से एक बार जिससे आप अच्छे से आ सके लेकिन आना चाहिए किसी भी कीमत पे ठीक है। तो इसको वीडियो पास करके कर लीजिएगा क्या है 2A 75 बीच वाला और ये 20 है नहीं 15 है 50 है और एक क्या है 10 ए बी के बीच में निकालना होगा निकाल कर आइएगा। तो बस इतना ही थैंक यू क्लास।